चावल के साथ फिश करी लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। गुड आफ्टरनून फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं फिश करी। बहुत मज़े के बनते हैं, इसलिए हम आपसे शेयर करते हैं। ये फिश लिया है 1 केजी, टमाटर 2, और ये लहसुन, नारियल, सरसों तेल, और ये फुटन सूखा मिर्ची, लहसुन कट करके लिया है। पहले इसको ग्राइंड करेंगे। गैस ऑन करेंगे, फिर सरसों तेल डालेंगे, ये देखिए तेल से धुआं निकलने लगा। सरसों तेल है इसलिए धुआं निकलना ज़रूरी है। उसके बाद लहसुन फुटन मिर्ची भुन गया, हम मसाला डालें। हल्दी, मिर्ची, जीरा, नमक अपने हिसाब से डाल सकते हो। हम हाफ हाफ चम्मच लिए हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून लेना मसाला। ये देखिए मसाला भुन रहा है, इसमें ग्राइंड किया हुआ टमाटर, दो तीन मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए 2-3 मिनट भुन गया है, ज़्यादा भुनना नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऑयल दिखने लगे। ये मछली को इसमें डाल देना, कच्चा मछली का बनाना है करी। ये फिश डाल दिए, इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल देना। और थोड़ा सा नमक डालना, अपने हिसाब से डालना। मसाले में हमने डाला है, बस जस्ट इसको छिड़कना है थोड़ा सा। इसका कवर बंद करके 2 मिनट पकाना है, फिर पलटना है। 2 मिनट हो गया, फिर दूसरी साइड पलट देंगे। इस साइड भी थोड़ी देर पकाना है, फिर थोड़ा पानी गरम करना है। ये देखिए हो गया है, इस पर थोड़ा सा गरम पानी डाल देना अपने हिसाब से। पानी डालने के बाद नमक चेक कर लेना सही है या नहीं। हमारा पूरा सही है बिल्कुल। इसका ये डाल देना अमचूर, आपको पसंद हो तो 2 या 1 जो भी डाल। ग्रीन चिल्ली भी डाल।
ये देखिए ऑयल इधर छोड़ने लगा। फिश करी हमारा बन के तैयार। धनिया पत्ता कुछ कटिंग करके डाल देंगे। गैस ऑफ करते हैं। ये देखिए फिश करी कितना अच्छा बना है, हमारे घर वालों को बहुत पसंद है। उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा, आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। हमारा रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू। चावल के साथ फिश करी लीजिए, बहुत मज़ा आएगा।